नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करते हैं। सबसे पहले सवाल पूछने का तरीका, आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। साथ ही हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। कोई भी सवाल अगर रह जाता है तो अगले हफ्ते इसी वक्त आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दीपेन शाह हैं stevam.com के, और साथ ही रविंद्र राव हैं, वीपी हेड है कमोडिटी रिसर्च के कोटक सिक्योरिटीज से। अब दोनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले बात कच्चे तेल की, जहां पर गिरावट, अब शुरुआती गिरावट अब बढ़ती जा रही है। 2% के आसपास की गिरावट यहां पर दिख रही है। 8400 तक फिसल गया एमसीएक्स पर भाव। क्रूड को लेकर अब क्या लग रहा है रविंद्र जी, क्या ये गिरावट अब गहराएगी या वापस से निचले स्तरों पर खरीदारी आएगी? क्या आपका टेक क्या है कच्चे तेल को लेकर? गुड इवनिंग विश्वमोहन, मेरे हिसाब से क्रूड अभी एक दायरे में फंसा हुआ है। अगर आप कल तक का सेशन देखें तो आई थिंक जो नाटो का समिट था उसके ऊपर डिपेंडेंट था मार्केट, और उसके वजह से प्राइस में एक तेजी भी आई थी, क्योंकि एक्सपेक्टेड ये था कि शायद यूरोपियन यूनियन ये सोचेगा कि वो रशियन गैस इंपोर्ट्स बैन करे, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, वो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स जरूर एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट उन्होंने बैन करने से तो इनकार कर दिया है, तो आई थिंक उस वजह से हमने इसमें एक करेक्टिव मूव देखा है। बट जैसे मैं लगातार कहते आ रहा हूँ कि क्रूड में जब तक कि रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, वो जब तक कंटिन्यू है, आई थिंक दैट विल बी सपोर्टिव फॉर क्रूड प्राइसेस। बट जो प्रीमियम बिल्ट इन था कि यूरोपियन यूनियन शायद रशियन गैस इंपोर्ट्स बैन करेगा, तो उसके ऊपर अभी अनसर्टेनिटी निकली है, और उस वजह से हम ये करेक्टिव मूव देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से क्रूड अभी दायरे में ही रहेगा। ऊपरी लेवल्स पर $115-116 का बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है, जो मैंने पिछले बार भी कहा था कि जब तक कि उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक पॉसिबिलिटी कि वहां से करेक्टिव मूव आ सकता है। और अभी अगर नीचे की तरफ देखें तो अराउंड $105-104 का सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से एक दायरे में रहेगा। आज के सेशन में हो सकता है कि 8400 के आसपास एक बार सपोर्ट ले, लेकिन अगर उसके नीचे फिसल जाता है तो फिर 8250 तक भी आ सकता है, और जो ट्रेडिंग रेंज रहेगा इसका अराउंड 8700 से लेके 8300 का रहेगा। दीपेन, आपको क्या लगता है कच्चे तेल में यहाँ से कितनी गिरावट और आपको दिख रही है? देखिए, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अगर हम पिछले ट्यूजडे की भी बात करें तो तभी हमने कैटेगरिकली बताया था कि हमारा मानना ऐसा है कि क्रूड का इंटरमीडिएट टॉप एक बन चुका है, और यहाँ से प्राइसेस 7300-7200 अगले एक महीने में आपको पहले देखने मिलेंगे, ना कि 9000 के ऊपर। आई थिंक अगर आप थोड़ा अग्रेसिव ट्रेडर हैं और थोड़ा एक्सपर्टीज रखते हैं शॉर्ट सेलिंग में, तो 8600-7700 के आसपास अगर कोई भी बाउंस आती है तो वहां पे आप पुट खरीद के चल सकते हैं एक्सपायरी तक। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 7200-7300 के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं क्रूड को लेकर। चलिए अब सवाल जवाब भी शुरू कर देते, काफी सवाल रह जाते हैं। पहला सवाल है क्रिश का दिल्ली से, कॉपर की चाल आगे कैसी रहेगी, इनका सवाल था। रविंद्र जी, क्या लग रहा है कॉपर की चाल आगे कैसी रह सकती है? जी, अगर टेक्निकली बात करें तो कॉपर में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, एक छोटा सा इनवर्स HNS ब्रेकआउट है, और पॉसिबिलिटी है कि ये 845-855 तक जा सकता है ऊपर के लेवल्स पर। डाउनसाइड सपोर्ट इसमें 792 का ही बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर ये अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अराउंड 820, जो कि अभी करंट भाव के आसपास ही है, से 810 तक मिलता है, तो आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए 790 का, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रीच कर जाता है तो फिर इसमें और फॉल आ सकता है, अदरवाइज आई थिंक डिप्स में इसमें फिर से एक बार बाइंग रीएमर्ज हो सकती है। ओके, डिपर बाइंग की सलाह, लेकिन 790 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है उसका ध्यान जरूर रखिएगा, वहां पर स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके रखिएगा। महेश हैदराबाद से गोल्ड का आउटलुक जानना चाह रहा है, दीपेन क्या सलाह देंगे गोल्ड पर इनको? देखिए, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक मोटा मोटी एक रेंज में फंसे हुए हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 69,000-70,000 के प्राइसेस आपको इस हफ्ते देखने मिलेंगे, वो मिल चुके हैं। 51,500 से 52,000 के आसपास के प्राइसेस गोल्ड में आपको देखने मिलेंगे, तो वो
ट्रेजिक्ट्री उस डिरेक्शन की तरफ है, लेकिन ट्रेंड भी पॉजिटिव है तो बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। और क्योंकि आज फ्राइडे है तो थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी, तो आज के लोकेस्टिक स्टॉपर्स के साथ ही ट्रेडिंग करें, और मंडे के दिन क्या माहौल होता है और क्या जियोपॉलिटिकल टेंशन ओपन होते हैं वो हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव ही है। ओके okay. तो ये भी हुआ गोल्ड को लेकर महेश जी के लिए। चलिए अगले दर्शक है समीर है कोलकाता से। कॉपर इन्होंने 800 रुपये पे शॉर्ट कर रखा है और ये भी जानना चाह रहे थे कि नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे इनको दीपेन? कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माय सेल्फ, कॉपर एक रेंज में फंसा हुआ है तो कॉपर की ट्रेडिंग अवॉइड करें। अगर आप ऑप्शंस में कर रहे हैं तो अलग बात है, जिसके आप प्रीमियम को प्ले कर ये सकते हैं, पोजीशन बट है अदरवाइज दीपेन, फ्यूचर में। दीपेन हाँ हाँ इनके पास 800 रुपए की शॉर्ट पोजीशन पड़ी हुई है, इस पोजीशन के लिए क्या सलाह देंगे? जी, वही बता रहे हैं कि आज के हाई का 822-25 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस है लेकिन रेंज के अंदर है, तो आप आज के हाई के ऊपर या 822-25 का स्टॉप लॉस रख के अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। 790 के प्राइस आते हैं वहां पे, आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। और नेचुरल गैस में हमने क्लियरली इस ट्यूजडे बताया था कि 400 के ऊपर आपको प्राइसेस जाते हुए दिख सकते हैं, बिकॉज काफी अच्छे मोमेंटम था प्राइसेस में। टेक्निकली तो आपके सामने है, 412-15 के प्राइसेस अभी चल रहे हैं, तो आई थिंक 400 का भी एक अच्छा सा साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस रहता है। 399 के स्टॉप लॉस से आप बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं। हमारा मानना ऐसा है कि अभी भी और तेजी है और 422-25 के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। ओके सबसे पहला आप देख लीजिए 790 के आसपास, आप यहाँ पर नीचे जो स्ट्रांग सपोर्ट है उसके आसपास आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं कॉपर में की जो शॉर्ट पोजीशन है वहाँ से। वहीं नेचुरल गैस डिप पर बाइंग की सलाह है, 399 का पहले स्टॉप पर ज़रूर लगा लीजिएगा, उसके बाद वहाँ पर डिप पर खरीदारी की सलाह है। चलिए अगले दर्शक है महेश है 12 बंकी से, मेंथा ऑयल का लॉन्ग टर्म आउटलुक जानना चाह रहे थे। मेंथा ट्रैक करते हैं आप दीपेन? जी डेफिनेटली करते हैं। लॉन्ग टर्म आउटलुक थोड़ा मुश्किल है बताने के लिए, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो 1250 के आसपास जब भी प्राइसेस जाते हैं तो वहां से आपको एक रेजिस्टेंस फेस होने मिलता है। प्राइसेस अभी लगभग 1020-30 के आसपास चल रहे हैं, तो हमारा मानना ऐसा है कि 1000 बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल है, सपोर्ट है। 980 के स्टॉप लॉस से आप बाइंग करके चल सकते हैं, और ऑन द हायर साइड 1080 के आसपास आपको टारगेट्स मिल सकते हैं। लेकिन मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन कर दूं कि मेंथा ऑयल की ट्रेड साइज काफी बढ़ चुकी है एमसीएक्स कॉन्ट्रैक्ट में, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। क्योंकि बहुत सारे एग्री कमोडिटीज बंद है तो उससे मेंथा में भी ट्रैक्शन धीरे धीरे दिख रहा है। चलिए अगले दर्शक विनोद कुमार है हाजिर में, सोना खरीदना चाह रहे हैं 48,000 तक क्या भाव की उम्मीद कर रहे हैं इनकी, इनके घर में कोई शादी है उसके लिए हाजिर में खरीदना चाह रहे हैं, किस लेवल में कहाँ तक नीचे भाव इनको मिल सकता है रविंद्र जी गोल्ड में? गोल्ड अभी पॉजिटिव जोन में ही है, मुझे ज्यादा डाउनसाइड नहीं लगता है। इंटरनेशनल में $1900 का सपोर्ट है और वो सपोर्ट लेके प्राइस फिर से एक बार 1960 तक आया है, तो मुझे ज्यादा डाउनसाइड नहीं लग रहा है। यहाँ से हो सकता है कि एट द मैक्स 51,000 तक आए अगर आया तो, बट अदरवाइज आई थिंक इसके प्राइसेस ऊपर ही जाने चाहिए। तो मेरे हिसाब से वेट मत कीजिए, थोड़ी थोड़ी करके बाई कीजिए, क्योंकि नीचे का लेवल वेट करेंगे और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया तो फिर देन यू विल बी इन अ फिक्स। तो मेरे हिसाब से स्टैगर्ड बाइंग कीजिए, थोड़ा सा बाइक कीजिए अभी, वेट कीजिए फिर नीचे आने का, अगर नीचे आता तो फिर नीचे में और ऐड कीजिए, बट मेरे हिसाब से बाइंग शुरू करना चाहिए। शुरू करें हर गिरावट पे हल्की हल्की खरीदारी करते हुए चले, हालांकि आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होगा, शादी के डेट फिक्स हो चुके हैं तो आप हर गिरावट पे यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोनाली हैं जोधपुर से हाजिर ट्रेडर हैं, 20 टन ग्वारगम इनके पास है, जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या मौजूदा लेवल पे इसे निकाल दे, साथ ही 10 टन हल्दी भी है हाजिर में, दोनों ही पर जानना चाह रहे थे कि क्या करना चाहिए। दीपेन क्या सलाह देंगे ग्वारगम और हल्दी पर? दोनों ही पोजीशंस इन्होंने होल्ड करनी चाहिए, काफी अच्छी पोजीशंस बनाई है। आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशन के इतने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने किए हैं। हमारा मानना ऐसा है कि हल्दी 8200 का एक काफी अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे प्राइसेस जाएंगे नहीं, और अगर सीजन में अच्छे प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो फिर से हम 10,000 के ऊपर हल्दी के प्राइसेस देख रहे हैं इस सीजन में, अगले 6 महीने में। और गुआर गम भी काफी समय से एक रेंज में है, तो जब तक प्राइसेस 10,500 के ऊपर है तब तक तेजी का माहौल ही बिल्टअप हो सकता है। हमारा मानना ऐसा है कि 10,500 का सपोर्ट लेके अगर 11,500-12,000 क्रॉस करता है तो आपको अच्छे ऊपर की तरफ और अच्छे प्राइसेस देखने मिल सकते हैं, तो उसके लिए शो देखते रहे, लेकिन 10,500 के ऊपर जब तक प्राइसेस है तब तक आपको गुआर गम भी होल्ड करके रखना चाहिए। ओके चलिए अगले दर्शक है पवन है हिसार से,
ये ग्वार पर भी राय जानना चाह रहे हैं, साथ ही जानना चाह रहे हैं कि कॉटन केक मई वायदा कहां तक जा सकता है। ग्वार पर आपका व्यू क्या होगा रविंद्र जी? मेरे हिसाब से विश्वमोहन, ग्वार एक रेंज में फंसा हुआ है और हम ये कंटिन्यूस कह रहे हैं कि वो रेंज जब तक नहीं निकलता तब तक थोड़ा सा मुश्किल है इसका एक ट्रेंडिंग मूव में आना। प्लस क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी एक एक दायरे में ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 6,400 इसका एक अपर बाउंड होना चाहिए और लोअर बाउंड अराउंड 5,800 का है। जब तक कि ये नहीं निकालता आई थिंक एक दायरे में फंसा रहेगा, बट अगर 6,400 निकाल दिया तो फिर मेरे हिसाब से 6,800 तक की पॉसिबिलिटी है। तो मेरे हिसाब से रेंज बाउंड है, कोई मेजर डायरेक्शनल व्यू नहीं है अभी एज ऑफ नाउ इन गोवा। पवन का एक और सवाल कॉटन केक को लेकर था। दीपेन, कॉटन केक मई वायदा कहां तक जा सकता है? कोई टारगेट आपकी तरफ से? दीपेन जी, 3,500 के आसपास के टारगेट्स आपको इमीडिएट में देखने मिल सकते हैं और वो क्रॉस होने पे आप 3,500 के टारगेट्स के आसपास रात देख सकते हैं। यानी 3,500 का टारगेट भी आपको दिख सकता है यहाँ कॉटन केक मई वायदा में। चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। मनीषा हैं पलवल से, कॉपर इन्होंने लॉन्ग कर रखा है, जानना चाह रहे हैं कि क्या करें, निकल जाएं या अभी बने रहें। रविंद्र जी क्या सलाह देंगे मनीषा जी को? बने रह सकते हैं मेरे हिसाब से। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 790 का मेंटेन कीजिए, अगर इसमें करेक्टिव मूव आता है तो और ऐड कर सकते हैं अगर आपको ऊपर का लेवल का बाइंग है तो, और 850-855 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके, 830 के टारगेट के साथ साथ ही आपको पोजिशनल लेवल पे आपको यहाँ पे 790 का स्टॉप लॉस ज़रूर यहाँ पर मेंटेन करना चाहिए। चलिए, किशन है नासिक से, जीरा 21,500 रुपये पे इन्होंने खरीदा है, जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए। दीपेन जी क्या सलाह देंगे इनको, जीरे पे, किशन को? जी बाइंग अपनी होल्ड कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे है और 20,600 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर 20,600 के नीचे नहीं जाते हैं प्राइसेस तो आपको 22,500 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं, तो हमारी सलाह से होल्ड कर सकते हैं पोजीशन। ओके, चलिए, मसाले की बात हो रही तो मसाले पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रेमचंद मोटा जी भी हैं, मसाला कारोबारी हैं। सर स्वागत है। सबसे पहले आपने हल्दी को लेकर आपने आगाह किया था कि नीचे की तरफ भाव आएगा, तो उस समय आया भी, फिर आपने कहा कि हल्की अब यहाँ से खरीदारी करनी चाहिए धीरे धीरे। अब वो धीरे धीरे खरीदारी दिख भी रही है, हालांकि आज के सत्र में अब रेंज में कारोबार हो रहा है। अब यहाँ से प्रेमचंद जी क्या सलाह देंगे हल्दी के जो जितने भी ट्रेडर्स हैं या हाजिर में जिनके पास माल है वो क्या करें अब? नमस्कार। गत सप्ताह हल्दी के ऊपर जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब अप्रैल में वायदा 110 रुपया पर केजी से घटकर 90 रुपया 91 रुपया हो गया था। उस पर ओके भी लोग तेजी में थे, मगर मैंने कहा था कि 5% का करेक्शन और आएगा ओके जो तय बुधवार को 85 रुपीज टच हो गया। अब ये लेने का भाव आ गया है, तो जिसको भी अभी हेल्थी लेना हो एनसीडीएक्स में या रेडी में अभी वो लोग ले सकते हैं क्योंकि इस भाव में लोकल डिमांड भी अच्छी शुरू हो गई है, स्टॉकिस्ट भी लेवल आ गए हैं, एक्सपोर्ट डिमांड भी चालू हो गई है। इस भाव में हल्दी में डर नहीं है, तो कोई भी हिसाब से इसमें 5 रुपए 7 रुपया का तेजी हल्दी में पर किलो की आ सकती है। ओके, 5 से 7 रुपए की तेजी पर किलो के हिसाब से हल्दी में आ सकती है। सर, कोरिएंडर और जीरे को लेकर क्या व्यू है, वहां पर क्या करना चाहिए? जीरा एक्चुअली 60 रुपए किलो बढ़ चुका है, 160-62 वाला 220 रुपया हो गया है, तो इसमें जिसको मुनाफा खाना हो तो मुनाफा खा सकते हैं। फ्यूचर ध्यान तो अच्छा है, मगर इस भाव 210, 215, 220 के भाव में कितने नए स्टॉकिस्ट आते हैं, कितने हिम्मत वाले आते हैं वो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये भाव बहुत साल के बाद आया है और काफी ऊंचा भाव है। 60 रुपए किलो की बढ़त हो गई है 3 महीना में, तो ये बोल के सोच सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, हाँ जी, ठीक है, शुक्रिया प्रेमचंद मोटा जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और हल्दी को लेकर इनको लग रहा है कि यहाँ पर अब खरीदारी करनी चाहिए और यहाँ से किलो के हिसाब से 5 रुपये पर किलो के हिसाब से तेजी आ सकती है। शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वापस से कुछ और दर्शकों का सवाल ले लेते हैं। आभा गुवाहाटी से सवाल भेजा था इन्होंने, गोल्ड में क्या करना चाहिए? रविंद्र जी, गोल्ड में आप वापस से बता दीजिए आभा जी को क्या करें ये। जी गोल्ड में मेरे हिसाब से अगर हम बहुत ही नियर टर्म देखें, जैसे कि 1-2 दिन का पर्सपेक्टिव से देखें, तो मेरे हिसाब से 51,600 का सपोर्ट है।
उसका स्टॉप लॉस रख के एक बार बाइंग किया जा सकता है 51,800 के आसपास। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड 51,000 के आसपास होना चाहिए, और पॉसिबिलिटी है कि अपसाइड इसमें अराउंड 52,600, 52,800 तक प्राइस आ सकते हैं। हमें लग रहा है कि फिर से एक बार $2,000 जो है वो टेस्ट कर सकता है गोल्ड, तो मेरे हिसाब से बाइंग में ही रहना चाहिए। छोटा स्टॉप लॉस 51,600 और बड़ा स्टॉप लॉस अगर शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव से है तो 51,000 का मेंटेन कर सकता है। ओके तो ये भी हुए गोल्ड को लेकर। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। पवन है कानपुर से, नेचुरल गैस इन्होंने 389 पर शॉर्ट कर रखा है। अब रविंद्र जी क्या करें, इनकी दीपेन की तो बाइंग की सलाह है कि डिप पे बाई करना चाहिए, 399 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दे रहे हैं। अब पवन ने शॉर्ट कर रखा है काफी नीचे के भाव पे, अब 416 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब क्या करें, कैसे अपने नुकसान को कम करें? मेरे हिसाब से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए नेचुरल गैस से, क्योंकि नेचुरल गैस में बहुत ही एक बढ़िया ब्रेकआउट आया है, एक कंटिन्यूशन पैटर्न है डेली चार्ट्स पर। जो हमने रैली देखी थी इसमें 175 से लेके 485 तक की, और उसके बाद हमने करेक्टिव मूव देखा 10 to 75। उसके बाद अभी इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेक आया है, प्लस कंटिन्यूशन पैटर्न कंफर्म हुआ है इसमें। और जब भी से रशियन प्रेसिडेंट ने कहा है कि जो उनका जो जो अनफ्रेंडली कंट्रीज है उन्हें अभी गैस के प्राइसेस, गैस के जो पेमेंट्स है वो रूबल में करना पड़ेगा, तब से हम गैस में एक उछाल देखा है। और हमें लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि रशिया यूक्रेन स्टोरी कंटिन्यू है। और चार्ट आई थिंक इस अ लीडिंग इंडिकेटर, और उसके चलते ऐसा लग रहा है कि 450 से 480 तक के लेवल हम नेचुरल गैस में देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एग्जिट कर लेना चाहिए और पोजीशन को रिवर्स कर लेना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 390। तो ये भी हुआ। एक और सवाल आयशा का था, वो भी नेचुरल गैस, उन्होंने भी शॉर्ट किया है 405 रुपए पर। दीपेन इनको क्या सलाह देंगे, क्या ये भी शॉर्ट पोजीशन से निकल जाए? देखिए ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल हो जाता है, बिकॉज जब भी आप अगेंस्ट द ट्रेंड काम करते हैं और मार्केट में वोलाटाइल होते हैं, फिक्स स्टॉप लॉस के बिना आप ट्रेडिंग करते हैं, नेचुरल गैस में ऑप्शंस भी है, तो आपको अगर शॉर्ट ही करना है, प्राइसेस बढ़ चुके हैं तो आप पुट ले सकते हैं, तो वहां पे आपका रिस्क कम हो जाता है। लेकिन फ्यूचर्स में शॉर्ट ना करें कोई भी अप ट्रेंड वाली आइटम में, जहाँ पे न्यूज भी पॉजिटिव होते हैं और टेक्निकली भी स्ट्रांग होते हैं। एक पंट ले सकते हैं आप, आज के हाई का स्टॉप लॉस रखिए 423-24 के ऊपर का, अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप एग्जिट कर लीजिए। देखिए वोलेटिलिटी है मार्केट में, 425-30 से जाके फिर से 410 के भाव आ सकते हैं, लेकिन आप ट्रेंड के अगेंस्ट काम करेंगे तो वो एक लॉटरी खरीदने जैसा हो जाता है। आई थिंक उनको स्टिक स्टॉप लॉस आज के हाई के ऊपर रखना चाहिए, और 400 आसपास जो भी 410 के आसपास कोई भी प्राइस आता है तो वहां पे लॉस बुक करके निकल जाता है। ओके, ये व्यू है। चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ जितेंद्र हैं अहमदाबाद से। गोल्ड के 51,000 स्ट्राइक की पुट है इनके पास, 116 रुपए पे खरीदा है, जानना चाह रहे हैं कि क्या करें। हाँ रविंद्र जी क्या करना चाहिए, 51,000 स्ट्राइक पुट अब 25 मार्च के एक्सपायरी वाली तो होगी नहीं, ये पुराने अगले कॉन्ट्रैक्ट की होगी, तो क्या करना चाहिए इनको? जी मेरे हिसाब से पुट में जैसे मैंने बताया कि मेरा बायस पॉजिटिव है, तो मेरे हिसाब से पुट में से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि गोल्ड में क्लियर एक पॉजिटिव ट्रेंड है, गोल्ड सिल्वर दोनों में ही। तो आई थिंक शॉर्ट ना करके इसमें बाइंग की स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए जब तक कि $1,900 ब्रीच नहीं करता। अगर $1,900 ब्रीच कर दिया तो फिर हो सकता है कि एक इसमें फॉल आए, बट अदरवाइज आई थिंक पुट में रहना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। पुट में रहना यहाँ पर रिस्की हो सकता है। अगले दर्शक हैं, सुनील हैं दिल्ली से। आज के लिए गोल्ड पर नजरिया चाह रहे थे, गोल्ड पर क्या व्यू देंगे दीपेन इनको? डिप्स की रणनीति रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि फ्राइडे का सेशन है थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी और रेंज में है, तो ज्यादा करके इंट्राडे ट्रेड अभी अवॉइड करें जब तक आपको एक रेंज ब्रेकआउट ना देखने मिले। फिर भी इंट्राडे के लिए हमारा 58,951,900 के टारगेट्स है, तो वो आप टारगेट्स लेके गोल्ड में बाई कर सकते हैं विथ स्टिक स्टॉप लॉस। और चांदी में क्या करना चाहिए, चांदी में अगर किसी को ट्रेड करना है आज के लिए तो क्या करें वो जी। चांदी भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही रहेगी, उसमें थोड़ा मोमेंटम ज्यादा अच्छी तरह बिल्डअप हुआ है। आप देखेंगे कल और पिछले ट्रेडिंग सेशन में, इस हफ्ते में हमने अच्छी एक 1200 पॉइंट की तेजी देखी थी, लेकिन प्राइसेस ऊपर की तरफ रुक नहीं पाए थे। आई स्टिल फील के बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं, अगेन आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ आप इंट्राडे के लिए बाई कर सकते हैं। रविंद्र जी कल तो काफी अच्छी तेजी दिखी थी शाम के सत्र में, आज हालांकि 150 रुपए के आसपास की कमजोरी दिख रही है, चांदी पर आपका व्यू?
मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर चांद गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक पॉजिटिव मोमेंटम में है। अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बात करें तो 68,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसमें। अगर वो होल्ड करता है तो फिर से एक बार 69,800 तक के लेवल हमें इसमें दिख सकते हैं। अगर अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें तो 67,600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हमने एक थ्रोबैक देखा था ऊपरी लेवल्स पर जब ये 73,000 के आसपास गया था ब्रेकआउट के बाद, और वो ब्रेकआउट के आसपास थ्रोबैक आके फिर से एक बार इसमें एक उछाल आया है। तो मेरे हिसाब से इट कैन बी अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, और फिर से हम इसमें 72,000-73,000 तक के लेवल्स देख सकते हैं जो कि बहुत स्ट्रांग है। अगर वो निकल जाता है तो फिर आई थिंक इसमें एक अच्छी खासी रैली आ सकती है। तो मेरे हिसाब से जब तक 66,800 होल्ड है डिप्स में बाइंग कीजिए, ट्रेंड पॉजिटिव ही है और 66,800 का स्टॉप लॉस मान लीजिए। ओके, यानी डिप में बाइंग की सलाह यहाँ पर चांदी में दी जा रही है। चलिए अब अगले दर्शक है, नेम कुमार है इरोड से। कॉटन में आगे मंदी आएगी क्या? दीपेन, आपका व्यू कॉटन को लेकर? देखिए, कॉटन को लेकर हमारा व्यू तेजी का है और आज से ही नहीं पिछले काफी समय से है। और पिछले ट्यूसडे के शो में भी हमने बताया था कि प्राइसेस आपको 40,000 के ऊपर जाते हुए दिखेंगे। जैसे जैसे प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं वैसे मोमेंटम और भी बिल्टअप हो रहा है और एक ब्लू स्काई टेरिटरी में आ चुके हैं। तो इसमें आप एक टॉप के 15 दिन बाद ही बता पाएंगे कि वो पिछला टॉप था। अभी तो वो नए टॉप्स या नए ऑल टाइम हाइज डेली बना रहा है एमसीएक्स में। तो आई थिंक अभी तो मंदी के कोई रुझान नहीं लग रहे हैं और प्राइसेस दिन ब दिन आपको 400-500 रुपए के ऊपर के टारगेट्स भी अचीव होते दिख रहे हैं। तो अभी प्राइस को सिर्फ चेज करें और कहाँ पे टॉप होते हैं वो होने के बाद ही आप हाइंडसाइट में बता पाएंगे। तो अभी तेजी का ही रुझान लग रहा है। आज भी हाई दिखा, 41,000 के भी ऊपर अब पहुंच चुका है। दीपेन को लगता है कि ये भाव अब बढ़कर 42,280 के टारगेट के लिए आप यहां पर डिप पर बाइंग करने की सलाह कॉटन में दी जा रही है। दीपेन, अब एक कैस्टर देख लेते हैं। कैस्टर रहा कि उत्पादन के जितने भी नंबर आ रहे हैं वो डाउनवर्ड रिवाइज हो रहा है, नीचे की तरफ ही आ रहा है। अब नया जो उत्पादन अनुमान है वो करीब 13 लाख टन का आ रहा है। क्या लग रहा है कैस्टर में क्या होगा और कैस्टर के ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, तेजी का माहौल लग रहा है। ये सभी फैक्टर्स की वजह से ही आप देखेंगे कि प्राइसेस में 7,200 के आसपास होने के बावजूद आपको अच्छा एक कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। नहीं तो जनरली कैस्टर जब भी 6,000 के ऊपर प्राइसेस जाते हैं तो आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलती है, लेकिन ये पहली बार ऐसे हो रहा है कि 7,200 के आसपास भी अच्छा कंसोलिडेशन है। तो हमारा मानना ऐसा है कि 7,300-7,400 अगर क्रॉस करते हैं तो आपको फिर से ये भी एक ब्लू स्काई टेरिटरी में आ जाएगा और 7,800 से 7,900 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। तो 7,000 के स्टॉप लॉस या राउंड फिगर साइकोलॉजिकल सपोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप कोई भी डिप्स आती है तो कैस्टर में खरीद सकते हैं एंड 2 से 3 महीने में 7,800-9,000 के टारगेट्स रख सकते हैं। तो ये भी हुआ, कैस्टर खरीद ले, 7,250 के आसपास खरीद ले, 7,046 का स्टॉप लॉस लगा ले और जो टारगेट दिया जा रहा है 7,580 रुपये का। शुक्रिया दीपेन आपका, रविंद्र जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब भी दिए। तो कमोडिटी निवेश को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश खबर। नमस्कार।